तो जय हिंद मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आखिर इन दोनों में से कौन सही है, एल्विस यादव या ध्रुव राठी। अभी करेंट सिचुएशन बताऊं आप लोगों को तो सोशल मीडिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट वाले ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं और राइट पार्ट वाले एल्विस यादव को। लेकिन हम यहाँ पे आइडियोलॉजीज को साइड पे रखते हुए अपन सही और गलत की बात करेंगे, आखिर कौन सही है ध्रुव राठी या फिर एल्विस यादव और कौन कहाँ पे गलत है, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली एल्विस यादव ने ध्रुव राठी से काउंटर मांगे हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो उनके आंसर भी करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि एल्विस यादव ने कहाँ पे मिस्टेक करी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा ना बायसनेस का जो चश्मा होता है ना उसको उतार के रख दो और पूरा एकदम न्यूट्रल मोड पे वीडियो देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेट्स गो। तो ध्रुव राठी के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, उसके पहले बात करते हैं एल्विस यादव की। तो देखते हैं एल्विस यादव ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं और उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आओ एल्विस यादव के सवालों का जवाब देते हैं। देखो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी ध्रुव राठी वाली जिसमें मैंने फैक्ट्स रखे थे बहुत सारे, नो डाउट फैक्ट्स आर राइट। और मैं भी देख रहा था कि ध्रुव भाई हमारे कभी स्टोरी पे पोक करते हैं, कभी वीडियो में, कभी ट्वीट में, कभी किसी चीज में पोक करते हैं। ठीक है, पोकिंग कर लो, कोई नहीं, बहुत लोग करते हैं पोकिंग, पोकिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बात नहीं, कर लो, मजाक उड़ा लो, गाली बक लो, पर्सनल अटैक कर लो, घर वालों की फोटो दिखा दो, मेरे मीम पेजेस को पैसे देके मेरे खिलाफ चीजें चलवा लो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, काउंटर का है। दोस्तों वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ध्रुव राठी ने काउंटर क्यों नहीं दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ध्रुव राठी एल्विस यादव को पोक करता है, तो चलिए चल के देखते हैं ट्विटर पे कि कौन किसको पोक कर रहा है। वैसे एक बात बोलूं, एल्विस यादव ने यार बात तो सही कही है यार, ध्रुव राठी ने पोक तो किया है भाई, देखो कहाँ पोक किया यार। अच्छा 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 अच्छा, ये आगे किया होगा कहीं पे, ये तो एल्विस यादव ने ही किया है। चलो भाई और आगे दिखाओ, ये तो एल्विस यादव ने ही किया है, सॉरी। चलो भाई नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट ट्वीट लगाओ यार, कहाँ गया, अरे इधर भी एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को पोक किया है, अरे ओके अंगला होगा कुछ ना कुछ। अच्छा यहाँ भी एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को पोक किया है, अरे दिख नहीं रहा यार, ट्वीट है लेकिन कहीं पे तो किया ध्रुव राठी ने एल्विस यादव को पोक, इधर भी नहीं दिख रहा, इधर भी नहीं दिख रहा यार। अच्छा यार दिख नहीं रहा यार कहाँ पे पोक किया है ध्रुव राठी ने एल्विस यादव को। यार एल्विस भाई यार ऐसे झूठ मत बोलो यार कि यार ध्रुव राठी तुम्हें पोक करता है, मैं तो देख पा रहा हूँ यार तो तुम ही पोक किए जा रहे हो जब से। सो यार एल्विस भाई मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यार यदि आप किसी को आगे से पोक करोगे ना तो वो आपको पीछे से पोक करेगा ही करेगा, सो प्लीज स्टॉप पोकिंग, ओके। अब इसके बाद देखते हैं एल्विस यादव ने दूसरा एलिगेशन क्या लगाया ध्रुव राठी पे। ट्रिगर भी हो रखा भाई, जब एक इंसान ट्रिगर होता ना, जब जवाब नहीं होता कि यार कैसे जवाब दें, तो वो पर्सनल जाता, जैसे कि हमारे ध्रुव भाई जा रहे हैं पर्सनल, गवार बोल दिया, अनएजुकेटेड बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, भाई ट्विटर पे जाके चेक करना। वो तो जाके हम चेक करेंगे एल्विस भाई, लेकिन आपका मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे और उसमें मेरे को कुछ ये बेटे तुम्हारे अंदर हाथ देके, तुम्हारे नहीं तुम्हारे कंटेंट के अंदर हाथ देके ऐसी चीजें बाहर निकाल लेते हैं हमारे जैसे। देखो मेरी एक शिकायत है, लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार, अपना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में, मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है। लेकिन वो एल्विस भाई मैंने आज तक ध्रुव राठी को नहीं सुना कि वो आपको बीजेपी का दल्ला बोला हो या कि छपरी बोला हो, और ना ही वो उसने अपने ऑडियंस को प्रोवोक किया हो कि जाके इसके कमेंट सेक्शन में इसको छपरी बोलो, अनएजुकेटेड बोलो, मैंने तो नहीं सुना। फिर भी आप उसके बारे में ऐसे ऐसे शब्द अपनी ऑडियंस को प्रोवोक कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? अब देखो मैं यहाँ पे ध्रुव राठी के लिए एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है तो सच है और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो एल्विस भाई के दो क्वेश्चंस हो गए जिनके आंसर शायद आप लोग को मिल गए होंगे और एल्विस भाई को भी मिल गए होंगे। बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट फर्जी एलिगेशन की तरफ। सही चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो मेरे थ्रू बोली गई है वीडियो में बातें वो गूगल पे भी है, गूगल पे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। और ध्रुव भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, जो कि आप देख रहे हो, आपकी टीम देख रहे हो, आप तो बड़े आदमी जर्मनी में रहते हो, वहीं की
सिटीजनशिप होल्ड करते हो, यहाँ वोट नहीं देते हो, इंडिया को इंडिया के साथ अपना नाम जोड़ने में भाई को शर्म भी आती है। अब यहाँ पे एलविस यादव ध्रुव राठी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ध्रुव राठी जो है तो इंडियन सिटीजन नहीं है, जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो चलो यार देखते हैं ध्रुव राठी इंडियन सिटीजन है या जर्मन सिटीजन है। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है कि राम जी को करते हैं ये स्पाइडरमैन से। एक बार ये वीडियो देखो, तुम एक बार वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। Correct, they won't question. थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैनमेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। वो तो ठीक है एल्विस भाई, लेकिन यार मैंने कुछ आपकी वीडियोस भी देखी थी यार, जिसमें आपने कुछ हमारे हनुमान जी के ऊपर कुछ बोला था और हमारे मंत्रों को लेके कुछ आपने बोला था, वो वीडियो भी जरा चला देते तो सही रहता। तो मैं चला देता हूँ, चलो कोई नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चलाता हूँ उनको। चुड़ैलों का राम वाणी राज पता है, वो है हनुमान चालीसा। मैंने सुनी हनुमान चालीसा इन भूतों का आगे पढ़ते हैं, इनकी ज्ञान फट जावे एक बज्जी में, समझ रहा हूँ एक बज्जी में। ओ पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले। ओ पंडित मुझसे आ। अब मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो मेरे को हंसी उन लोगों पे आ रही है जो लोग इनको राम भक्त मानते हैं, है ना, और इनको बहुत बड़ा हिंदू रक्षक मानते हैं, हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं, और उनको पता नहीं कि हिंदू धर्म कई हजारों सालों से है और हमेशा रहेगा, ये नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, लेकिन फिर भी लोग इनको मसीहा मानते हैं। तो उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है कि भाई ऐसे भी हैं आपके एलविस यादव जी, और ये दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं कि भाई तू ऐसा है वैसा। भाई खुद तो देखो यार तुम कैसे हो, ये तो देखो, तब तो हम आपकी बात मानेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। अब तुम खुद ही गलत हो और दूसरों को सही रास्ते पे ले आने का, है ना, तो ये चीज़ें हैं गाइस। और कुछ लोग हैं जो कि लगे रहते दिन भर कि ध्रुव राठी तो ऐसा है, एलविस यादव ऐसा है वैसा है, तो उन लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तुम लोग को पता नहीं होगा इनके बारे में, ये बहुत बड़े बिजनेस माइंडेड आदमी हैं। ये एलविस यादव ने जो रोस्ट निकाला था, ध्रुव राठी को एक्सपोज किया था, उस वीडियो पे एलविस यादव ने दो स्पॉन्सर किए थे, समझ रहे हो, दो स्पॉन्सर थे उस पे, एक नहीं दो स्पॉन्सर थे। और वहीं पे एक और ध्रुव राठी का वीडियो है जिस पे ध्रुव राठी ने अपना नीट का जो नीट वाला जो वीडियो था ध्रुव राठी का, उस पे ध्रुव राठी ने नीट का जो वीडियो था, नीट का वीडियो, उस पे अपना यूट्यूब कोर्स को प्रमोट किया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता, इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना। अब चाहे तो मेरी जिंदगी की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मैंने किसी भी ऐसे एग्जाम को टॉप नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं बन पाया जिंदगी में। द यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड है student45। तो अब आप लोग पूछोगे कि यार किसको ट्रस्ट किया जाए, किस पे ट्रस्ट किया जाए, आखिर ऐसा कौन आदमी है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि नो वन, कोई भी नहीं है जिस पे आप ऑनलाइन ट्रस्ट कर सको। सब लोग यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आते हैं, यहाँ की मैं खुद यहाँ पे पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँगा मैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि इससे मेरे को पैसा मिलेगा। और सेम चीज़ें हर एक आदमी कर रहा है, जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एलविस यादव इधर का वीडियो बना रहा है, उधर इसको एक्सपोज कर रहा है, इधर पोक कर रहा है, उधर पोक कर रहा है, ध्रुव राठी कहीं इसको एक्सपोज कर रहा है, कहीं सारा चीज़ सब खेल पैसे का है। इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, आप उतना सोच भी नहीं सकते हो। तो इन लोगों के पीछे दिन रात इनके पीछे एक दूसरे को लड़ने के बजाय, एक दूसरे के रिलीजन को हर्ट करने के बजाय, आप अपने करियर पे फोकस करो, मैं यही कहना चाहूँगा। और हाँ, एक बार किसी भी जानकारी को अपने से क्रॉस चेक कर लिया करो किसी वैल्यूएबल सोर्स से, जहाँ पे जो ठीक ठाक हो, मतलब ऐसा हाँ उसकी रेपुटेशन हो, किसी भी ऐसे सोर्स से मत करो जो अनबायस्ड ना हो, है ना, बायस्ड हो। तो यही कहूँगा, और किसी पे भी आँख मूंद के भरोसा मत करो सोशल मीडिया पे, यही कहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे ध्रुव एलविस यादव का जो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो पूरा, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें एलविस यादव ने कुछ चीज़ें सही कही हैं, उनको अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन उस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एलविस यादव ने गलत चीज़ें बोली हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं दिया उसने, ना तो डिस्क्रिप्शन में नहीं कहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, टाइटन्स आउट।